हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और मैं हाजिर हूँ आपके सामने Part 3 वीडियो ला करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मुझे बहुत सारे मेल आए, मैसेजेस आए, बच्चों के फ़ोन भी आए कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ या राजस्थान बोर्ड से हूँ या मध्य प्रदेश बोर्ड से हूँ, स्टेट बोर्ड से हूँ जिसमें मुझे हमें हिंदी में पढ़ाया जाता है और हमारे नोट्स भी हिंदी में होते हैं, तो आपके नोट्स इंग्लिश में हैं, तो आप प्लीज़ लाइन बाय लाइन अगर नैरेट कर देंगे उसका मीनिंग तो हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। क्योंकि मेरे साथ CBSE बोर्ड के भी बच्चे हैं, ISC बोर्ड के बच्चे भी हैं, सारे बच्चे हो आप लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो रूरल बच्चे हैं जो गाँव में रहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैंने ये शुरुआत उनके लिए की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ISC बोर्ड वाले नहीं पढ़ सकते, शिक्षा पे सबका अधिकार है, सब लोग पढ़ें, लेकिन बच्चों आप लोगों को जिनका इंग्लिश मीडियम से आप लोग पढ़ते हो उनको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो अदरवाइज जो हमारा मिशन है वो शायद अधूरा रह जाएगा। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ में नहीं आएगा और वो पीछे छूट जाएंगे। हमें सबको साथ में लेकर चलना है, इसलिए आज से मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ कि जितना इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको एक बार हिंदी में भी बता दूँ। तो प्लीज़ बच्चों, बियर विद मी और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने Part 1 और Part 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म का अच्छे से नहीं देखा है, प्लीज़ गो बैक इन प्लेलिस्ट, वॉच इट, देन कम टू द Part 3। सो चलो, विदाउट मच वेस्टिंग आर टाइम, हम Part 3 स्टार्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके पहले हमने बहुत सारा बेसिक पढ़ा Part 1 और Part 2 में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। लिविंग वर्ल्ड में मीन्स पूरी, अगर हम पृथ्वी कहें या ब्रह्मांड कहें या जो भी आप कहना चाहो, कितने टाइप के लिविंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, कभी तो आपने सोचा है ना। क्योंकि आप सोचिए कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किससे दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। वायरस को देखिए, वायरस किससे दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, वो बैक्टीरिया से भी बहुत गुना छोटा होता है। और अगर आप और बड़े बड़े देखोगे तो सबसे बड़ा जो आपको मैमल मिलेगा वो आपको जायंट ब्लू व्हेल मिलेगी। ब्लू व्हेल कितनी बड़ी मछली होती है, उसको मछली वो नहीं है एक्चुअल में वो, लेकिन ब्लू व्हेल है वो, मैमल नहीं है, मैमल है सॉरी, वो मैमल है। तो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के जायंट ब्लू व्हेल तक आपको इतने सारे दिखते हैं, आपको छोटे छोटे पौधे दिख सकते हैं, आपको एल्गी दिख सकती है जो माइक्रोस्कोपिक, माइक अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, हम आगे चल के बात करेंगे, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक की नेचर से होकर के आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ मिल सकते हैं, है ना। तो इन सबको यहाँ पे लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड एल्गी टू जायंट ब्लू व्हेल, है ना। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के एल्गी से लेकर के बहुत बड़े 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 ब्लू व्हेल भी है। सो जो डाइवर्सिटी है लाइफ में, जीवन की जो डाइवर्सिटी है आप दुनिया में देख रहे हो, उसी को हम बोलते हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी, है ना। और इसको जो टर्म सबसे पहला लिया गया था बायोडाइवर्सिटी का, वो दिया गया था एक साइंटिस्ट के थ्रू जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन, आप याद रखना एडवर्ड विल्सन। तो देर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारे पृथ्वी पर। मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख, 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं, है ना। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं चीज नोट करते जाए, देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, स्लाइम मोल्ड है, इन सबको, ये सब क्या होते हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो अब तक के 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, मीन्स 1.7 मिलियन कितना हुआ, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.7 मिलियन में 17 लाख, तो 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, है ना। उनमें से जो 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से लगभग 1.25 मीन्स 12.5 लाख जो स्पीसीज हैं वो एनिमल की हैं, और लगभग जो 5 लाख की स्पीसीज हैं वो आपकी प्लांट्स की हैं। तो अगर देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं, तो आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा हमारे पास 12.5 लाख टाइप के एनिमल्स हैं, ऑलराइट। और प्लांट की डाइवर्सिटी कम है, वो सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख हैव बीन स्टडीड। और
इनकी इतनी इतनी की स्टडी अब तक की जा चुकी है, मी 17 से 18 लाख टोटल, उनमें से 12.5 लाख लगभग एनिमल का, 5.5 लाख लगभग इस प्लांट का, और उन सब की जो है अब तक स्टडी की गई है, उनको डिस्क्राइब किया गया है और उनके नाम भी अब तक रखे जा चुके हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि जो आपको ये पता चल गया इस लाइन से कि जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो एनिमल्स पाए जाते हैं और प्लांट कम है, तो इन एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, तो ये देखो मैंने स्टार करके रखा हुआ है, इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े हैं आपको पढ़ा होगा आपने, इंसेक्ट से ना वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी पर, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट में कौन, तो इंसेक्ट में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के सबसे ज्यादा मेंबर, यहां लिखा नहीं हुआ है प्लीज मार्क इट आउट, आर्थ्रोपोडा के सबसे ज्यादा मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और अगर सेकेंड मोस्ट देखें कि ठीक है इंसेक्टा के सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकेंड आपको बताता हूं मोलस्का, मोलस्का के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मोलस्का आपको पता होगा मोलस्क, है ना, वो अभी आगे चल के हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो आपको आगे पता चलेगा कि मोलस्का मतलब जब आप समुद्र में जाते हो कभी घूमने जाओगे तो आप देखा होगा आपने सीप देखा होगा, शंख बजाते हैं आपके हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से घरों में, है ना, तो वो सारे के सारे किसमें होंगे, स्नेल होंगे, बहुत सारे होंगे हम बाद में बात करेंगे, वो सारे के सारे है किसके, मोलस्का के, तो सबसे ज्यादा इंसेक्टा के पाए जाते हैं और मेंबर्स, और दूसरे नंबर पर आता है मोलस्का, और इंसेक्टा में भी याद रखना आर्थ्रोपोडा, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो हर साल लगभग लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, 15,000 नए ऑर्गेनिज्म एवरी ईयर, लेकिन अभी तक जितने भी हम डिस्कवर कर पाए उनमें से हजारों अभी तक उनको पता नहीं कि हजारों अभी कितने हैं जिसकी डिस्कवरी होनी बाकी है, है ना, तो उनका डे बाई डे हो रहा है, जैसे जैसे आप जैसे बायोलॉजिस्ट आएंगे आगे चल के आप में से डॉक्टर्स बनेंगे साइंटिस्ट बनेंगे, तो उनमें से हो सकता है आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी हम देखते हैं, मैक्सिमम जो एनिमल्स के वैराइटीज मिलते हैं, एनिमल्स के टाइप्स मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें आप स्टार कर लेना आप कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो आपको मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे रेन फॉरेस्ट होते हैं कि जहां पर क्या होगा बारिश थ्रू आउट द ईयर होती रहेगी, है ना, आपको पता होगा कि जब मानसून का मौसम आता है बारिश का मौसम आता है तो हमारे आसपास पानी की वजह से कितना सारा ग्रीनरी हो जाता है ना, तो बारिश में मौसम बारिश के मौसम में पानी गिरता है तो हमारे आसपास इतना ग्रीन ग्रीन हो जाता है, अगर थ्रू आउट द बारिश होती रहेगी थ्रू आउट द ईयर बारिश होती रहे तो थ्रू आउट द ईयर बारिश होगी तो बहुत डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा। तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे 12 महीने हमेशा बारिश होती रहती है, इसीलिए वहाँ की जो रेन है जो फॉरेस्ट है और एवरग्रीन होते हैं बहुत डेंस होते हैं, तो चूंकि बहुत डेंस हैं बहुत सारा वहाँ पे प्लांट है, खाने की चीज़ें बहुत अवेलेबल है, तो अगर खाने की चीज़ें की चीज़ें रहने की जगह अवेलेबल है तो जो एनिमल्स हैं उनके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो प्लांट और एनिमल की पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, प्लीज मार्क कर लेना इसको। सेकेंड अगर मैक्सिमम डाइवर्सिटी में बात करें तो कोरल रीफ की पाई जाती है, कोरल रीफ आपने नाम सुना होगा। तो अब ठीक है इतने सारे जब 17 से 18 लाख आपके पास ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक एक को एक एक के करेक्टर हम याद रखें, है ना, एक एक का करेक्टर याद करना पॉसिबल नहीं। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन में हमारी पॉपुलेशन अगर इंडिया की बात करें तो चलो 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ में क्या एक एक आदमी की याद करेंगे कि ये पर्सन है, इसकी इतने हाथ है इतने पैर है इतनी आंखें हैं इतना ये सब कुछ है, तो क्या 140 करोड़ जो हम लोग हैं 140 करोड़ क्या इतने एक एक आदमी का हम याद रखेंगे करेक्टर, नहीं, सिर्फ हम एक ग्रुप का करेक्टर याद करेंगे कि जो ह्यूमन है। और जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो चाहे हम 130 करोड़ इंडियंस हों या पूरे वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन मिला के 700-800 करोड़ होगी, उन सब के सिंपल है, सबके दो ही पैर होंगे, सबका पोस्चर सीधा होगा, सब खड़े होके चलेंगे, सबके लिम्स होंगे, वेल डेवलप होंगे, हाथ होंगे, तो कॉमन करेक्टर सबके लिए अप्लाई होता है। एक एक के हम करेक्टर स्टडी नहीं करते हैं बच्चों, है ना। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसे बनाई हैं, बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस टेक्निक्स किसके लिए, जिससे नए जो ऑर्गेनिज्म मिले उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको नाम दे सकें कि उसका नाम क्या है, और ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस एज पर सर्टेन रूल्स। मतलब क्या हो बच्चों, क्या इन्होंने कैसे टेक्निक डेवलप की है जिसकी वजह से
नए ऑर्गेनिज्म, अगर कहीं आप घूमने जाते हो या कोई साइंटिस्ट घूमने जाता है वहां पर कुछ उसका नया ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, तो कुछ ऐसे टेक्निक्स बनाई गई हैं जिनकी हेल्प से साइंटिस्ट उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, उनका नाम रख सकता है, नाम वगैरह के बारे में देखेंगे आपको, और कुछ सिमिलरिटी जो प्रीवियसली नोन है, जो पहले से हमारे पास ऑर्गेनिज्म नोन है, तो जो ऑलरेडी नोन है उनसे वो सिमिलर है, उनसे कितना मैच करता है, उनसे कितना डिफरेंट है ना, इनकी बेसिस पर हम कोई ग्रुपिज्म भी कर पाएंगे, उनको अलग अलग ग्रुप में रख पाएंगे, ताकि उनकी स्टडी करना क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म होता है, दो तीन टर्म मैं आपको बताऊंगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे कंफ्यूजन्स को यहाँ पर खत्म करूं। तो सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स होता क्या है देखिएगा बच्चों, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सिस्टमैटिस्ट, है ना, और उनके सब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे साइंटिस्ट जो कि ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं या करते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनको सिस्टमैटिसिस्ट बोलते हैं, और उनके सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब सिस्टमैटिक ऐसा टर्म है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका लैटिन, लैटिन में इसका नाम रखा है सिस्टेमा, सिस्टेमा से बना हुआ है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर या सीक्वेंस, है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में रखते हैं, और इसी को हम सिस्टमैटिस्ट, जो इसको जो जो लोग ऐसा करते हैं उनको हम सिस्टमैटिसिस्ट बोलते हैं, और जो इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। अब क्वेश्चन होता है कि सिस्टमैटिक्स नाम किसने दिया, तो जरूर याद रखना बहुत वेल नोन नेम है, आपको पता होगा, ये जो आप राइट साइड में पिक्चर देख रहे हो ये कैरोलस लिनियस की है, या कार्ल लिनियस भी बोलते हैं इनको, तो कंफ्यूजन मत करना, कैरोलस लिनियस भी इनका नाम है और कार्ल लिनियस भी इनका नाम है, राइट साइड में आप देख सकते हो, इस कार्ल लिनियस, इन्होंने ही सबसे पहले नाम दिया था सिस्टमैटिक्स। अब कंफ्यूजन क्या होता है, जो हम थोड़ी देर पहले आपको बात कर रहे थे कि तीन चीजों में कंफ्यूजन होता है जनरली, द टर्म सच एज क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना, इनको इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, किसको, क्लासिफिकेशन को, सिस्टमैटिक्स को और टैक्सोनॉमी को। लेकिन एक साइंटिस्ट है जी सिंपसन, आप देख सकते हो राइट साइड में आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी, जी सिंपसन, उन्होंने उनके बीच में डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखें कि सिस्टमैटिक्स है क्या, सिस्टमैटिक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो सिस्टमैटिक क्या है, आपको बताया कि क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें, है ना, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करेंगे बताइए, क्लासिफिकेशन करने के पीछे कोई बेसिस तो होगा, जैसे हमारे समाज में पहले क्या होता था, रिलीजन की बेसिस पर, है ना, कास्ट की बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया। चलो अभी चल रहा है कि चलो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और जो अपर है, जो जो पैसे ज्यादा कमाते हैं, ठीक है ना, तो कुछ कुछ ना कुछ एक दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करें बच्चों। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, चाहे वो प्लांट की वैरायटीज हो या आपके एनिमल्स हो, लिविंग कोई भी लिविंग बींग हो, तो उनको हम क्लासिफाई जब करेंगे, है ना, उनकी डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे, तो कुछ रूल्स होने चाहिए बच्चों। तो कौन कौन से रूल होंगे, देखो किसकी बेसिस पर उनको हम क्लासिफाई करेंगे, तो इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपेरेटिव, कंपेरेटिव मतलब यही होता है कि जब आप एक से दूसरे को कंपेयर करते हो, जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आप सोचिए कि नया कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, आप उसका नाम रखना चाहते हो या उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो ऑलरेडी नोन जो है वो आपके दिमाग में आएंगे कि ये उसके जैसा है ना, तो उसको कंपेरेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जब से हमारी पृथ्वी बनी तब से, आपको पता होगा ये पूरी बातें हम इवोल्यूशन में करेंगे कि सिंगल सेल आया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आया, फिर धीरे 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 करके इवोल्यूशन के टाइम पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए, है ना, और आज हम लोग हैं ह्यूमन जो है वो सबसे एडवांस क्रिएचर है नेचर का, ठीक है बच्चों। तो इवोल्यूशन में टाइम के हिसाब से कैसे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते चले गए, इनकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की हम डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं,
और उनके सारे के सारे एक दूसरे का कंपेयर, और इवोल्यूशनरी उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, और विकास जो उनका विकासवाद हुआ है ना, विकास हुआ तो बेस्ड ऑन कंपेरेटिव किसके बेसिस पर करेंगे, क्या क्या कंपेयर करेंगे, हम उनकी एनाटॉमी कंपेयर करेंगे। एनाटॉमी मतलब वो दिखते कैसे हैं, ठीक है ना बच्चों, एनाटॉमी, एनाटॉमी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, तो अभी हम बहुत डिटेल में इसको नहीं जाते हैं। फिजियोलॉजी देखेंगे लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे जैसे लाइक हम रेस्पायर कैसे करते हैं, एंड ब्रीदिंग कैसे करेंगे है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होगा हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होगा, तो जैसे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वो जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में क्या उनकी फिजियोलॉजी क्या है ना, उनके बीच में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, वो क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको फिजियोलॉजी बोलते हैं। मैं इसमें कवर करूंगा तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें इसी की ज़्यादा बात करेंगे, बाकी चीज़ों को शॉर्ट करेंगे, आप चिंता ना करें, आने वाले लेक्चर्स में इनको हम बहुत डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री है ना, उनके बीच में बायोकेमिकल क्या रिएक्शंस होते हैं, और बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पर, और इकोलॉजी जो एनिमल्स हैं वो लिविंग बींग्स हैं वो रहते कहाँ पर है ना, और उनका एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन कैसा होता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उनका ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें, सिस्टमैटिक्स में। तो सिम्पसन जैसा हम बात कर रहे थे कि सिम्पसन ने एक नया, उन्होंने जो कन्फ्यूजन था कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, और टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो इनके बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस उन्होंने बताया, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो बच्चों क्या है, सिम्पसन रिगार्डेड क्लासिफिकेशन एज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमैटिक्स, मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक्स जो है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, और क्लासिफिकेशन जो है वो उसका एक सब टॉपिक है ना। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 11th बायोलॉजी, तो 11th बायोलॉजी में, 11th बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं बच्चों है ना, लेकिन उनमें से जो क्लासिफिकेशन है या लिविंग वर्ड है जो आप पढ़ रहे हो, ये उसका एक सब टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो सिस्टमैटिक्स का एक टॉपिक है, और जब आप क्लासिफाई करोगे बच्चों, तो क्लासिफाई करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ रूल चाहिए ना। चलो भाई अभी अभी देख लिया कि हमारे पूरे हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कौन से लोग हैं जो गरीब हैं, कौन से लोग हैं जो अमीर हैं, तो उसके लिए कोई एक लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि इतने से कम कमाए तो गरीब, इससे ज़्यादा कमाए तो अमीर है ना। जैसे BPL वगैरह पड़ता है आपको है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनको गवर्नमेंट कुछ अलग से सुविधाएं देती है, तो कोई ना कोई कुछ रूल होना चाहिए। दोबारा से बताता हूँ कि जो सिस्टमैटिक्स है वो तो क्लासिफिकेशन के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो उसी का एक पार्ट है बच्चों। और क्लासिफिकेशन करने के लिए जो रूल चाहिए, जैसे आपको बताया कि कितना कौन कमाता है उसके बेसिस पर उसका पॉवर्टी लाइन में आता है कि नहीं आता है, ऐसे जो क्लासिफिकेशन है वो करने के लिए कुछ रूल्स है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। दोबारा से बताता हूँ कि जो सिस्टमैटिक्स है उसका एक पार्ट है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन करने के लिए बच्चों जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा है ना। तो सिम्पसन रिगार्डेड क्लासिफिकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ सब टॉपिक ऑफ सब सिस्टमैटिक्स दैट डील विद ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड टैक्सोनॉमी एज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब टैक्सोनॉमी क्या हुआ है ना, प्रिंसिपल और प्रोसीजर मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनके बेसिस पर आप क्लासिफाई करोगे उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। बड़ा सिंपल है। एक और टर्म आया बच्चों, क्लैडिस्टिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार किया हुआ। क्लैडिस्टिक्स क्या होता है, क्लैडिस्टिक्स क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, क्या करता है ये, कैसे क्लासिफाई करता है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर इन विच द इवोल्यूशनरी ब्रांचेज एरोज। ये क्लैडिस्टिक्स एक नया टर्म आया जिसमें ये बोल रहा है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे पहले एप्स आए, मंकी आए, फिर एप्स आए, फिर ये आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो हिस्ट्री के हिसाब से देखें कि किसका पहले इवॉल्व हुआ, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, तो उसके हिसाब से जब हम इवोल्यूशन के हिसाब से हिस्टोरिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्लैडिस्टिक्स। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स आर बायो सिस्टमैटिक्स। तो पहले हम सिर्फ सिस्टमैटिक्स पढ़ते थे, अब उसी का एक नया नाम हो गया क्लैडिस्टिक्स आने के हिसाब से, कि जो क्लासीफाई आप करेंगे वो हिस्टोरिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, टाइम के हिसाब से करेंगे, कब किसकी इवोल्यूशन पहले हुआ। तो अब जो हमारा न्यू सिस्टमैटिक्स है उसका नया नाम आ गया, उसका नाम आ गया बायो सिस्टमैटिक्स, राइट। पहले हम सिर्फ सिस्टमैटिक्स यूज करते हैं, तो देख लो दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन को खत्म किया जा सके।
तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स में क्या था बच्चों, देखो ओल्ड सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफाई वगैरह तो करवाते थे आपको पता है, लेकिन उसमें क्या करते थे, कुछ ही कैरेक्टर हम लेते थे। जैसे इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आप फिश ले लीजिए, तो देखो जब आप फिश देखते हो तो आपको पता है कि चलो भाई मछली है पानी में रहती है, तो आपने रोहू ले लिया, कतला ले लिया, है ना, तो पानी में रहती है, और साथ में ब्लू व्हेल देखो वो भी पानी में रहती है, तो उसको बोला ये भी फिश है, गड़बड़ हो गई ना, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसा दिख रही है कि अभी चलो सिमिलरिटी है, लेकिन क्या जो आपका ब्लू व्हेल है वो फिश में आएगा, वो फिश नहीं है बच्चों, वो मैमल है, वो स्तनधारी उसको बोलेंगे, वो मैमल्स बोलेंगे, तो उसकी बेसिस पर गलती हो जाएगी। दूसरा देखो बैट ले लो, चमगादड़, आपको पता होगा चमगादड़ अभी काफ़ी कोरोना के टाइम पर वो लोग बोलते हैं कि वो उसी से ओरिजिन हुआ है उसका, वही से फैला हुआ है ना, तो चमगादड़ को देखोगे तो वो भी उड़ता है, आपकी बर्ड भी उड़ती, तो क्या उसको चमगादड़ को बर्ड में रखेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये ओल्ड सिस्टमैटिक्स में यही प्रॉब्लम था कि ये सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम क्या करते थे, उनको क्लासिफाई कर देते थे, लेकिन अब जो आया न्यू सिस्टमैटिक्स, इसको हम न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं या इसको बायोसिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं बच्चों, ये आया, और ये जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था जूलियन हक्सले, उनकी पिक्चर है आप राइट साइड में देख सकते हो। इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम न्यू सिस्टमैटिक्स में हम क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो देखेंगे ही, उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सेल का साइज स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देखेंगे, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी देखेंगे, और इकोलॉजी मतलब वो सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करता है, किस हैबिटेट में रहता है वो सब भी देखेंगे। तो हम सिर्फ एक पॉइंट नहीं देखते हैं, अब हम जितने सारे पॉइंट्स हैं अवेलेबल उन सबको देख करके क्लासिफाई करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। बताया आपको जैसे बैट और बर्ड पहले हम एक में रख देते, अब हम ऐसा नहीं करते हैं बच्चों, हम बहुत सारे पॉइंट जितने अवेलेबल हैं सबको ध्यान में रख के करते हैं ताकि हमसे गलती ना हो जाए, ठीक है। इट इज यूज टू नो द इंटर रिलेशनशिप एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए, तो जो न्यू सिस्टमैटिक्स है इट इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये भी मार्क कर लेना कि जो न्यू सिस्टमैटिक है ये इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे बेस्ड नहीं है। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये रहा हमारा सिस्टमैटिक्स। तो जब हमने सिस्टमैटिक्स देख लिया, तो सिस्टमैटिक्स के बाद हम क्या देखेंगे बच्चों कि चलो सिस्टमैटिक्स का एक पार्ट है क्लासिफिकेशन, तो क्लासीफाई करेंगे, लेकिन क्लासीफाई करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए, तो वो जो रूल्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो हम पहले टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, बाद में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी देखिए बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म किसने दिया था, एपी डी कैंडोले, याद रखना एपी डी कैंडोले ने एक टैक्सोनॉमी टर्म पहले दिया था, पहले नाम रखा था, जैसे हमारे घरों में कोई बच्चा आता है तो उसका नाम हम रख देते हैं, है ना, तो ऐसे जो टैक्सोनॉमी सबसे पहले शब्द यूज किया वो किसने यूज किया, एपी डी कैंडोले। सबसे ज्यादा जो काम किया क्लासिफिकेशन पे, तो सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन रहा उनका नाम था कैरोलस लिनियस, जो हम पहले भी बता चुके हैं कार्ल लिनियस, उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो अभी साइंस में ऐसा एक चलता है, एक ट्रेंड चलता है कि जिसका योगदान सबसे ज्यादा होता है उसको हम फादर ऑफ वो ब्रांच बोल देते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसको जानते हैं, कैरोलस लिनियस। अगर इंडिया के टर्म में हम बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो इंडियन टैक्सोनॉमी का जो श्रेय है वो जाता है एच शांतपाव, याद रखना इनको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ग्रेट इंडियन टैक्सोनॉमिस्ट। सो क्यों करते हैं टैक्सोनॉमी, ताकि अगर हम टैक्सोनॉमी अगर हमारे पास क्लियर रहेगा रूल, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि हम नए जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उनको पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है बच्चों। चलिए एक टर्म और आता है, याद रखना आप, एक आप साइड में फोटो भी देख सकते हो, जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक नाम दिया, एक टर्म दिया जिसको बोलते हैं स्पीसीज, है ना। कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं उनके हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पीसीज जो आप आज की डेट में नाम सुनते हो, जैसे होमो सैपियंस, तो होमो इज व्हाट, जीनस, सैपियंस इज व्हाट, स्पीसीज। तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस, तो जो स्पीसीज है वो सैपियंस है, और होमो है
वो क्या हो गया आपका, जीनस हो गया। तो स्पीसीज जो सबसे पहले टर्म उन्होंने दिया वो जॉन रे ने दिया, ठीक है बच्चों। इंग्लिश नेचुरलिस्ट कॉइंड द टर्म स्पीसीज फॉर ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो और जो मोनोकॉटिलेडन आप देखते होगे और डाइकॉटिलेडन नाम सुना होगा आपने, हिंदी में बोलते हैं एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री, मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आता है तो आपको बता रहा हूँ। वो भी सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो किसके थ्रू दिया गया था बच्चों, जॉन रे। चलो कैरोलस लिनियस का और भी देखते हैं इन्होंने और क्या काम किया। मैं डायरेक्टली वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो जैसा हम बता चुके हैं कि उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उन्होंने एक किताब पब्लिश करी बच्चों, ये इसका नाम आप साइड में उसका फ्रंट फोटो देख सकते हो, उसका फ्रंट पेज का, उसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कैरोलस लिनियस की बुक का नाम बताइए, तो पहली जो बुक है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेचर। आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट पेज है। सिस्टम ऑफ नेचर में उन्होंने लगभग 4326 एनिमल की स्पीसीज के बारे में लिखा है ना। दूसरा उन्होंने एक बुक और पब्लिश करी जिसको उन्होंने सिर्फ प्लांट के लिए लिखा और उसका नाम रखा उन्होंने, देखिए इसका बुक भी देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ स्पीसीज प्लैनेटेरियम प्लांटेरियम स्पीसीज प्लांटेरियम। तो जो सिस्टम ऑफ नेचर है उसमें उन्होंने एनिमल के बारे में लिखा और जो स्पीसीज प्लांटेरियम है उन्होंने प्लांट के बारे में लिखा, और लगभग प्लांट के बारे में 5900 स्पीसीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है और उनको क्लासिफाई किया है किसकी बेसिस पर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, है ना। स्पीसीज प्लांटेरियम कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ 5300 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड दीज वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आपको सबको पता होगा, उन्होंने नाम रखने का चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो एक सिस्टम दिया जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम आगे देखते हैं उसके बारे में डिटेल में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक रहा आपका टैक्सोनॉमी का। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज और रिलेशनशिप, है ना। तो ऑर्गेनिज्म को जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी नोन है उनसे कितना मैच करता है कितना मिसमैच करता है उनके हिसाब से अलग अलग हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे उनको। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि टैक्सोनॉमी की मैं बात कर चुके हैं कि एपीडी कैंडोले ने क्या था क्लास, है ना, बात कर चुके हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए उसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और जो नाम दिया था वो दिया था किसने, एपीडी कैंडोले ने। क्लासिफिकेशन में हम करते क्या है, तीन चीजें हैं हमारी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर, है ना। ये दो चीजें, ये क्लासिफिकेशन इसमें गलत आ गया है, क्लासिफिकेशन चूंकि है इसी का पार्ट भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, है ना, तीन ही काम करते हैं। तो चलो देखते हैं करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसको कैसे करेक्टराइज करेंगे और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज एन अननोन ऑर्गेनिज्म By comparing it with known organism, कैसे करेंगे, जो पहले से known है उसी के basis पर हम क्या करते हैं, characterize करते हैं। आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आपके घर में कोई नया बच्चा आता है, नए बच्चे का बर्थ होता है तो तुरंत comparison करना शुरू कर देते हैं कि ये मम्मी की तरह दिखता है, ये पापा की तरह दिखता है, ये भाई की तरह दिखता है, कैसे दिखता है, comparison start हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो भी नया organism आएगा, जो भी discover होगा, उसको हम pre-existing जो पहले से present हैं उनसे comparison करते हैं। और इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। अब क्या क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा फर्स्ट एड्स, है ना, जब किसी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड्स में जो मेडिसिन होती है वो प्राइमरी अवेलेबल कराई जाती है। तो क्या क्या सहायक चीजें हैं टैक्सोनॉमी में करने को, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि या नए वीडियो में कि क्या क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। क्या कि ठीक है चलो करेक्टराइज तो कर लिया आपने, तो उसका नाम तो रखना पड़ेगा। तो नाम रखने के लिए इट इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम टू ऑर्गेनिजम्स एज पर द एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस एंड रूल्स सो दैट दे कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बच्चों, इस तरह से उसका नाम रखेंगे ताकि ऑलरेडी जो प्रेजेंट हो उनसे उसका नाम अलग हो, प्रॉपर उसको एक पहचान मिले। और कैसे करेंगे, उसके बेसिस पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स को मानते हुए करेंगे, है ना। जैसे आप किसी का भी नाम आप देखते हो अपने क्लास में,
आप देख के पहचान जाते हो कि भाई वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या ऐसा करके आप पता कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारी मान्यताएं अलग है, मुस्लिम की मान्यताएं अलग है बच्चों, तो उसके बेसिस पर वो लोग नाम रखते हैं, है ना। तो लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं पहले से, उनके बेसिस पर उनका नाम क्लेचर करता है। तो दो तरीके के नाम जो है वो ऑर्गेनिज्म को दिए जाता है ना, जैसे कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। देखते हैं कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों। कॉमन नेम को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन और वर्नाकुलर नेम। कॉमन नेम को क्या बोलते हैं? इसको कॉमन नेम्स आर लोकल नेम, इनको लोकल नेम भी बोलते हैं, व्हिच आर गिवन टू द एनिमल एंड प्लांट्स इन देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय लोकल पर्सन्स। लोकल पर्सन, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप अगर हिंदी भाषी हैं, अगर आप यूपी बिहार झारखंड इस जगहों पर रहते हैं, दिल्ली, यहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो आपको पता होगा जो पोटैटो है उसको हम क्या बोलेंगे? आलू बोलेंगे, है ना। आलू बोल दिया हमने, तो आलू हो गया, ठीक है। अब आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटैटो। आप गुजरात में चले जाएंगे, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता, तो गुजरात में, चूंकि मैं गुजरात में रहता हूं, तो गुजरात में उसको बटेका बोलेंगे, बटेटा, या बटेका या बटेटा दोनों बोलते हैं, बटेका बटेटा, ठीक है। आप अपने यहाँ पे प्याज बोलते हो, गुजरात में जाओगे अब इंग्लिश में ओनियन बोलते हो, गुजरात में जाओगे तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डुंगरी। तो ये हुआ, इसको लोकल नेम बोलते हैं या कॉमन नेम बोलते हैं या वर्नाकुल नेम बोलते हैं। तो ये सही नहीं है, क्यों? दिस नेम कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट। ये जो नाम आपको बताया मैंने, डुंगरी बटे डुंगरी बताया है ना, या बटेका बताया, तो ये यूज क्यों नहीं किया जा सकते? उसके कुछ रीजन है। नंबर वन रीजन, कॉमन नेम डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज, है ना। पता है कि रीजन टू रीजन, क्षेत्र के हिसाब से उनके नाम बदल जाएंगे। आप बैगन बोलते हो नॉर्थ में, आप गुजरात में जाओगे तो उसको कुछ और बोलेंगे, है ना, उसको रिंगड़ा बोलेंगे, रिंगड़ा। तो ये रीजन टू रीजन हो जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी भाषाएं हैं, पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अगर सारे लोग अपना अपना नाम रखेंगे तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए इनको हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, एन ऑर्गेनिज्म मे हैव सेवरल नेम इन अ गिवन लैंग्वेज, एक में बहुत सारे नाम उसके हो सकते हैं। जैसे गुजरात में बात करता हूं मैं, कांदा या लहसुन, लहसुन को कांदा भी बोलते हैं और लहसुन भी बोलते हैं, तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। और एक ही कॉमन नेम के कई सारे मीनिंग भी अलग 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 एरिया में उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे, उसकी मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। इसलिए जो कॉमन या वर्नाकुलर नेम है उसको बायोलॉजिस्ट यूज नहीं करते हैं। जैसे पोटैटो है, आप उसका साइंटिफिक नेम रखेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम, अब वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट होगा वो समझ जाएगा पोटैटो के बारे में, है ना। तो इसलिए कॉमन या वर्नाकुलर नेम बहुत ज्यादा हम यूज बायोलॉजिस्ट यूज नहीं कर सकते। तो देखते हैं साइंटिफिक नेम। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास जो साइंटिफिक नेम है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होता है। और ये कैसे नाम रखा जाता है? कुछ सच नेमिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, है ना। और जो साइंटिफिक नेम होता है वो ये इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रखा जाए, दूसरा ना रखा जाए। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात करें तो हमारा नाम रख दिया होमो सैपियंस, है ना। सो द साइंटिफिक नेम इंश्योर that only one name is given to an organism and description of the organism should help the other people to arrive at the same name in any part of the world. मतलब जैसा बताया होमो सैपियंस बोलोगे तो पूरे दुनिया में कोई भी बायोलॉजिस्ट होगा वो समझ जाएगा, है ना। और क्या होता है देखिए, each kind of organism representing a species is given a different name to distinguish it from the other. मतलब क्या हुआ, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको, जो किसी स्पीसीज को बिलोंग करता है, उसका जो नाम रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे कि वो बाकी सारी स्पीसीज से अलग हो जाए, है ना। वन हैज टू इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट गिवन यूज्ड अर्लियर फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नाम अभी तक किसी और को ना दिया गया हो। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आया है, आपने उसका नाम रखा है, तो किसी और का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए रिपीट हो गया। तो अब हम तीन तरीके का, द फॉलोइंग हैव बीन द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, तीन तरीके का देखने जा रहे हैं हम, पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, हम पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल के बारे में डिटेल में बात करेंगे कल या नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और बच्चों,
जो अच्छाई होती है, ऐसा हमारे लोग कह के गए हैं, लोग कहते हैं कि जो अच्छाई है उसे बांटनी चाहिए। एकमात्र ऐसी चीज जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बांटने से और बढ़ती है। इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी शिक्षा और बढ़ जाएगी, मेरे को पढ़ाने से मेरा कम नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए आप भी ऐसा करें कि ये जो वीडियो है उसको शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, सबको पता चले, ताकि उनकी भी मदद हो पाए जो किसी रूरल एरिया में है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आप शेयर करें, एजुकेशन को फैलाएं, और मैं भी इसी तरह से प्रयास करता रहूँगा कि आपको एक रिच मटेरियल आसान शब्दों में आपको बायोलॉजी में पढ़ा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।